आज मैं बताऊंगा कि आप फेसबुक से वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने चिप में। आप भी कभी कभी फेसबुक तो आप चलाते ही हैं, कभी कभी क्या आप तो हमेशा लगभग चलाते ही होंगे, हर रोज़ में कभी कभी आ जाता है। तो आपको कोई कोई वीडियो ऐसा मिलता है जो आप सोचते हैं कि उसे मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूँ और फिर कहीं अन्य अदर सोशल नेटवर्किंग पे शेयर कर सकें, तो वो तो आपको पहले डाउनलोड करना होगा, जो कि आप डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर डाउनलोड करते हैं फेसबुक से तो वो फेसबुक में ही रहता है, आपके चिप में नहीं आता है, मतलब आपके फ़ोन में नहीं आता है कि आप वहाँ से कुछ अदर एप्लीकेशन के थ्रू उसे ट्रांसफ़र कर सकें या फिर शेयर कर सकें। तो उसी को मैं बताऊँगा कि आप चिप में उसे कैसे डाउनलोड करें और उसका आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। आपको एक बार फिर मैं बोलता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें नीचे दिए गए बटन को दबाकर, लाल बटन को दबाकर, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई एक पैसा भी नहीं लगता आपको सब्सक्राइब करने में। चलिए बताते हैं कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं फेसबुक में जाता हूँ, जैसे कोई फनी वीडियो में सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे आप जैसे कि यहाँ से मैं सेव करने का है, डाउनलोड करने का, मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड तो हो गया लेकिन मेरा गैलरी में नहीं गया, ये चला गया है। आपके सेव वीडियो में चला गया, वो आपको यहीं पे मिलेगा लेकिन वो आपके गैलरी में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन, उस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए, जिसका नाम है My Video Downloader for Facebook। आप लिखिएगा My Video Downloader for Facebook, ज्ञान्स का है ये, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये 5 मिलियन डाउनलोड है, 4.3 की रेटिंग है, अच्छी इसकी है, यही मैं यूज़ करता हूँ, आप भी इसे डाउनलोड कर लें, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ये ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, मात्र आपका ये 3 से 4 MB का है, इसमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये 3-4 MB का ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, मैंने डाउनलोड किया था तो वही लगभग था। फिर आप इसे ओपन कर ले, डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, और यहाँ पे अपना लॉगिन कर ले अपने फेसबुक से लॉगिन कर ले। फिर आप यहाँ पे चले जाए, फिर यहाँ पे आपका मिलेगा माय वीडियो सेव वीडियो, आपने जो फेसबुक में सेव किया है वो यहाँ वीडियो आएगा। देखिए, एक वीडियो मैंने डाउनलोड किया था, वो एक वीडियो यहाँ पे आया है, ये वाला। बस आपको इस पर कुछ नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसे डाउनलोड कर देना है। अब देखिए, आपका नोटिफिकेशन में ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ लिख रहा है वीडियो डाउनलोडर, डाउनलोड कंप्लीट। उसके बाद आपके ये चिप में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड, मतलब वहाँ से आप शेयर कर सकते कुछ भी, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप वीडियो फेसबुक की कोई भी वीडियो, और आपको वो मिल जाएगा। यहीं पे होगा फेसबुक के नाम से, ये रहा, ये देखिए आपका आ गया इसमें। तो कैसा लगा वीडियो हमारा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।